नमो बताओ अभी या चिन्ह गिला काले काले अरे हे काले काले क्या कर दूं मैं यार 15 लग ली यार ओए भाई बैठ भाई ओए भाई सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है, कभी लोगों का डांस की रील तो कभी अजीबो गरीब फूड आइटम। लेकिन आजकल इंटरनेट पर जनपद आजमगढ़ के एक युवक की पिटाई का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उस युवक की जमकर पिटाई इसलिए हो रही थी क्योंकि वो एक सच्चा आशिक है। उस पर यह आरोप लगाया गया है कि वो रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया था। बता दें कि युवक रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, जहां उसे प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। इसके बाद परिजनों को लगा कि उनकी लड़की पूरे गांव वालों के सामने पकड़ी जाएगी और उनकी बेइज्जती होगी, जिसकी वजह से उन्होंने इस युवक को एक बक्से में छिपा दिया। प्रेमी कई घंटों तक उस बक्से में बंधक बना रहा और उसकी पिटाई भी की गई। इस बात की सूचना मिलने के बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उस युवक को छोड़ा गया। अब प्रेमी को बंधक बनाकर पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह सारा मामला आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़के के साथ मारपीट की गई है। इस मामले में पता लगाया गया तो पता चला कि एक लड़का शादीशुदा महिला के घर में घुसकर कुछ गलत हरकत कर रहा था, तभी परिवार वालों ने मिलकर उसको जमकर पीटा। इसकी जाँच देवगांव इंस्पेक्टर को सौंप दी गई है। जांच कर रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित की तरफ से भी अगर कोई तहरीर दी जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक लड़के के साथ मारपीट की गई है। इनिशियली जो पता लगा ये लगा है कि एक लड़का शादीशुदा महिला के घर में घुस के कुछ हरकत कर रहा था और आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया, तो परिवारजनों ने मारपीट उसके साथ की है। इसकी जाँच इंस्पेक्टर देवगांव को सौंपी गई है। वो मौके पर गए हुए हैं इस समय वर्तमान में, और जांच रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, वीडियो में जो लोग शामिल हैं, जो मार रहे हैं, क्या उनको कार्रवाई होगी? हाँ, जो तहरीर प्राप्त होगी, इसके जो भी तहरीर देता है जो पीड़ित है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।